नमस्कार दोस्तों, केबीवी टैग में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने वॉलेट में लाइटनिंग प्रो ऐप क्या और इस ऐप को अपने वॉलेट में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले ऐसे आपको अपने वॉलेट में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों, ऐसे आपके सामने कुछ इस तरह से लाइटनिंग प्रो ऐप करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, इस ऐप का रिव्यू काफ़ी अच्छा है जो कि 3.1 है और इसकी डाउनलोडिंग है वो 1 लाख प्लस हो चुकी है, जो कि इसकी डाउनलोडिंग भी काफ़ी अच्छी है। और इस ऐप को अपने वॉलेट में किस तरह से यूज कर सकते हो, तो दोस्तों उसी तरह से इस ऐप को ऐसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, ये ऐप रहेगी वो कुछ इधर से ऐसे आपके सामने ओपन होने लग जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हो, ऐसे हमारे जो भी ओपन हो जाने के बाद दोस्तों देख सकते हो, इस ऐप का जो भी इंटरफेस रहेगा वो कुछ इधर से यहाँ पर आपके सामने शो करने लग जाएगा। शो हो जाने के बाद दोस्तों, ये ऐप रहेगी हमारे कुछ इधर से ऐसे आपके सामने ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, इसका जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इधर से आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ऐसे हमारे जो भी ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पर आपके सामने सर्वर भी देखने को मिल जाएंगे। और उसी तरह से बैक आने के बाद दोस्तों, इस अबाउट वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे तो इसकी जो भी डिटेल रहेगी वो इधर डिटेल भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों उसी तरह से हम इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ऐसे आपको क्या करना है, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने जो भी सर्वर है तो ऐसे हम पहले ये वाला सर्वर कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो, ऐसे आपके सामने ओके का ऑप्शन है, ओके ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ऐसे हमारे सामने कुछ इस तरह से कनेक्टिंग का ऑप्शन आ चुका है। और उसी तरह से ऐसे हमारे सामने हमारे जो भी कनेक्टिंग हो जाने के बाद दोस्तों देख सकते हो, ऐसे हमारे जो भी सर्वर रहेगा वो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों देख सकते हो, ऐसे कनेक्ट का ऑप्शन आ चुका है। और उसी तरह से ऊपर की साइड देखोगे तो ऐसे हमारे जो भी सर्वर रहेगा इधर आपके सामने इधर कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों, कुछ इधर से ऐसे हमारे जो भी ऑप्शन रहेगा वो आ जाएगा। और दोस्तों उसी तरह से ऐसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ऐसे आप कौन सा भी दूसरा भी सर्वर ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो, ऐसे हमारा जो भी दूसरा सर्वर भी इधर आप ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो, ऐसे हमारा जो भी सर्वर है वो कनेक्ट हो चुका है। और उसी तरह से दोस्तों, इसे आप अपने वॉलेट में यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, इसे आप डिसकनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, कुछ इधर से ऐसे हमारा जो भी ऑप्शन है यहाँ पर अपने डिसकनेक्ट वाला इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ऐसे हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो आसानी से डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो, कुछ इधर से इस ऐप को ऐसे आप अपने वॉलेट में यूज कर सकते हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।